खातेगांव में कर्मचारी संगठन या प्राइवेट स्कूल संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शोभाराम सोलंकी और थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजेंद्र सोनी बीआरसी के पद पर विकास खंड खातेगांव में पदस्थ है। उनके विरुद्ध अधीनस्थ शिक्षक विजय पवार ने 22 मार्च 2019 को जातिवाद गाली गलौज करने की झूठी शिकायत का आवेदन खातेगांव थाने में दिया गया था। विजय पवार अजाक्स संघ के अध्यक्ष हैं और समाज में जातिवाद भावनाओं को भड़का रहे हैं। इनके द्वारा बीआरसी को परेशान करने और धमकाने के उद्देश्य से थाने में शिकायत की गई। जिस वर्ग में संबंधित की शिकायत की गई है, उस वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारियों और आम नागरिक इस शिकायत से सहमत नहीं है, जिससे समस्त कर्मचारियों में आक्रोश है। विजय पवार द्वारा थाने में की गई उक्त शिकायत आवेदन सक्षम अधिकारियों से जाँच की जावे और शिकायत झूठी पाई जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध विभागीय अधिकारी को धमकाने प्रताड़ित करने का नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कार्य के दौरान जातिवादी अथवा अन्य तरीकों से धमकाने की शिकायत थाने में आवेदन लेने से पूर्व विभागीय जांच की जावे। मामले में कई कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में विकास खंड के समस्त कर्मचारी आंदोलन को बाध्य होंगे। थाना प्रभारी मुकाती ने बताया कि आज कर्मचारी संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया, पूर्व में भी हमें अजाक्स संघ की ओर से ज्ञापन मिला था, दोनों की जाँच की जा रही है। खातेगांव से अनिल की रिपोर्ट। आज एसडीएम साहब और थाना प्रभारी को हमारे साथी ब्लॉक समन्वयक श्री राजेंद्र सोनी जी, जिनका जो आवेदन इसलिए दिया गया है कि उनके विजय पवार अजाक संघ के तहसील अध्यक्ष है, जिन्होंने झूठी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग सोनी जी ने करा, इस विषय में उन्होंने आवेदन थाने में दिया है, जबकि मेरे को लगता है कि झूठी शिकायत है और निराधार है। माननीय बीआरसी सोनी जी के विरुद्ध जो कार्रवाई अजाक्स संगठन के द्वारा की गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। खातेगांव क्षेत्र में इससे पहले कभी भी जातिवाद के ऊपर से ना तो कोई विवाद हुआ। हम भी ये चाहते हैं कि सभी लोग हिलमिल करके रहें, एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे क्षेत्र में बना हुआ था, लेकिन कोई अनिल पवार नाम के जो भी संघ के अध्यक्ष है, विजय पवार जो अजाक्स संघ के अध्यक्ष है, उन्होंने एक हमको ऐसा लगता है कि समाज के विरुद्ध एक बीड़ा उठा लिया है, जो कि एक दूसरे से लड़ कर के हम अलग अलग बढ़ जाएं और शायद है कि अलग अलग बट कर के हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं, ये शायद उनका सोचना है। लेकिन मैं चाहूँगा माननीय SDM महोदय से और जिला प्रशासन से कि आप जो जांच है उसको निष्पक्ष रूप से आप जांच करें। अगर कार्रवाई इन्होंने अगर उनको अपशब्द कहे हैं तो निश्चित तौर से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, और भी हमारे साथ जो कर्मचारी लोग हैं जिनको अजाक्स संघ से जो संबंध रखते हैं, वो लोग भी सब हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत जो है कि सूचनाएँ हैं, गलत इन्होंने झूठी रिपोर्ट डाली है, वो लोग भी इस चीज़ को मानने को तैयार है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा और ये चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जातिवाद का जहर ना घोला जाए, जिससे कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने, और निश्चित तौर से अगर इस तरह का माहौल हमारे क्षेत्र में होता है तो बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी अवहेलना करते हैं। चाहूंगा कि सभी संगठन मिलकर के और सभी समाज के वर्ग इस